नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ पूर्वी। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर। हरेला में हरियाली का जोश अभी भी युवाओं में है जिंदा। नेताओं के बाद युवा लगा रहे हैं जंगलों में पेड़। आज सोनकोट के युवाओं ने सोनकोट के जंगल में अनेक फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया। युवाओं ने न सिर्फ रोपण किया बल्कि उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाई। युवाओं ने कहा कि इन पेड़ों को हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में पालेंगे, जिससे कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। नमस्कार, मेरा नाम शुभम रावत, मैं सोनकोट गाँव से। हम आज यहाँ गाँव में पानी को रोकने के लिए, पानी जमीन में मात्रा में पहुँच पाए उसके लिए हम यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। हरेले पे हमारा कुछ ना लगा पाए इस वजह से आज हम इधर पेड़ लगाने की वो करो चला रहे हैं। गढ़वाल मंडल का पहला किताब कौतिक टहरी में आज से शुरू। साहित्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति का उत्सव किताब कौतिक 9 सफल पड़ाव के बाद अपने 10वें चरण में टिहरी पहुंच रहा है। 20 और 21 को आओ दोस्ती करें किताबों से के विचार के साथ 60 प्रकाशकों की करीब 70,000 पुस्तकें साहित्य प्रेमियों के अवलोकन और खरीद के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा साहित्यिक विमर्श, कवि सम्मेलन, नेचर वॉक, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक संध्या सहित कई रोचक कार्यक्रम होंगे। क्रिएटिव उत्तराखंड और भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका सभागार में चल रहा है। दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के फैसले पर बड़ा विवाद, चौतरफा घिरी बीजेपी। दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी तीनों ने विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है लेकिन वहां से कोई आदेश नहीं है। देहरादून से हरिद्वार कांवड़ ड्यूटी पर जा रहे सब इंस्पेक्टर की मौत, सिपाही घायल। देहरादून से हरिद्वार कांवड़ ड्यूटी पर जा रही स्कूटी सवार महिला सब इंस्पेक्टर की एक बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक सिपाही घायल हो गए। थाना बड़कोट में तैनात इंस्पेक्टर कांता थापा व महिला कांस्टेबल शकुंतला, जो कि कैंट थाने में तैनात हैं, कांवड़ ड्यूटी के लिए हरिद्वार के लिए जा रही थी। तभी डीकैथलोन शोरूम के समीप तेज रफ्तार में आ रही बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला दरोगा की मौत हो गई जबकि कांस्टेबल घायल है, अस्पताल में भर्ती है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी समेत पूरी अयोध्या में उतरे कमांडो, सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण स्थलों का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सुरक्षा व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट के मद्देनजर एनएसजी टीम यहां के पुलिस प्रशासन से समन्वय कर भीड़ वाले मंदिरों का गहराई से निरीक्षण कर रही है। गुरुवार की रात एक दर्जन से अधिक वाहनों ने एनएसजी की टीम राम मंदिर परिसर पहुंची और सुरक्षा के पॉइंट्स का निरीक्षण किया। काफी देर तक 70 एकड़ परिसर के विभिन्न सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर एनएसजी टीम वापस लौटी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।